Riviera Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. WWE की सबसे डिस्ट्रक्टिव टैग टीम द शील्ड आखिर क्यों बनाई गई थी, क्या रीजन था इस टीम को बनाने का और आगे चलकर कैसे बनी इतनी पावरफुल टैग टीम, किसने बनाया था इस टीम को, किसका आइडिया था द शील्ड को बनाने का, इस टीम के बारे में वो सभी बातें जो WWE में बनी है और जिसने इतिहास रचा है, जिस टीम में डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस थे जो आज WWE के काफी बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, इन तीनों सुपरस्टार की शुरुआत मेन रोस्टर के अंदर द शील्ड टैग टीम में रहते हुए ही हुई थी। दोस्तों, आज मैं आपको द शील्ड टीम की पूरी कहानी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हम चलते हैं 2012 में, जब द शील्ड का डेब्यू नहीं हुआ था। उस समय इस टीम के तीनों मेंबर NXT में थे। 2012 में जब फेमस स्टोरी लाइन चल रही थी CM Punk वाली, जहां CM Punk एक विलन का किरदार निभा रहे थे। इस विलन के कैरेक्टर में CM Punk के पास टाइटल तो था, पर उनके पास कोई बड़ी पावर नहीं थी। उस समय CM Punk के हील कैरेक्टर को देखते हुए विंस मैकमेन ने एक मीटिंग रखी, जहां WWE के स्टोरी लाइन एडिटर विंस मैकमेन के साथ HHH और CM Punk मौजूद थे। यहां विंस मैकमेन ने CM Punk को अपने पावर के रूप में केन और बिग शो को रखने को बोला था, पर CM Punk ने इसके लिए मना कर दिया था। CM Punk ने कहा कि मैं बिग शो और केन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं इनको अपने सपोर्टर के रूप में नहीं ले सकता हूं। मैं NXT से तीन सुपरस्टार लेना चाहता हूं, जहां वो पहला नाम डीन एम्ब्रोस का लेते हैं, दूसरा नाम सेथ रॉलिंस का लेते हैं और तीसरा नाम वो NXT के एक और सुपरस्टार क्रिस हीरो का नाम लेते हैं, पर वो रोमन रेंस का नाम नहीं लेते हैं। पर विंस मैकमैन और HHH ने मिलकर रोमन रेंस को तीसरे मेंबर के रूप में ऐड किया था और वहीं से बनी थी द शील्ड। इस टीम को बनाने का आइडिया था विंस मैकमैन, HHH और खास करके CM Punk का। इस टीम का आगाज सर्वाइवर सीरीज 2012 में हुआ था, जब WWE चैंपियनशिप के लिए मेन इवेंट मैच था CM Punk वर्सेस जॉन सीना वर्सेस रायबैक के बीच। तभी इस मैच में इंटरप्ट कर दिया था द शील्ड ने। शील्ड का पहला ट्रिपल थ्रेट पावर बूम भी हमें तभी देखने को मिला था। तब से इस टीम ने WWE के मेन रोस्टर में अपना कहर ढाना शुरू किया था। इन्होंने फिर धीरे धीरे मेन रोस्टर के सभी सुपरस्टार को अपना शिकार बनाना शुरू किया। इन्होंने बिग शो, क्रिस जेरिको, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, रायबैक, ब्रे वाइट फैमिली से लेकर द रॉक तक को नहीं छोड़ा। द शील्ड इस समय तक हील के रूप में काम कर रही थी। जब इनसे पूछा गया था कि ये CM Punk के लिए काम करते हैं, तब इन्होंने मना कर दिया था, पर ये तीनों CM Punk के दुश्मनों पर लगातार अटैक करते जा रहे थे। जब इन्होंने WWE के मेन रोस्टर में अपना डेब्यू किया था, तब ये उतने फेमस नहीं थे, ऑडियंस भी सोच में थे आखिर ये कौन है। फिर एक रॉक एपिसोड में इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और अपने टीम का नाम रिवील किया, तब जाकर पता चला सभी को इनके बारे में। इनका पहला डेब्यू मैच 16 दिसंबर 2012 को हुआ था TLC पेपरव्यू में। इस मैच में इनके अपोनेंट हेल नो टीम और द रायबैक थे। इस मैच में द शील्ड ने अपना पहला डेब्यू मैच जीत डाला। इसके बाद भी इन्होंने CM Punk के अपोनेंट पर अटैक करना नहीं छोड़ा। शील्ड ने द रॉक के प्रोमो में भी इंटरप्ट करके उनके ऊपर अटैक किया था, जब वो अपने CM Punk के बीच होने वाले मैच के बारे में बात कर रहे थे, जो रॉयल रंबल 2013 में होने को था WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। पर इस मैच में विंस मैकमैन ने एक कंडीशन रख दी कि अगर शील्ड ने इस मैच में इंटरफेयर किया तो CM Punk से उनका टाइटल छीन लिया जाएगा। फिर एक रॉक एपिसोड में CM Punk ने शील्ड के तीनों मेंबर को बुलाया और उनको कह दिया कि तुम्हारा मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। फिर उनका सेगमेंट खत्म हो गया, पर मैच के दौरान शील्ड ने आकर रॉक को टेबल पर पावरबम दे मारा था। फिर भी मैच को द रॉक ने जीता था। उसकी अगली रॉ में विंस मैकमैन ने पॉल हेमन के साथ शील्ड की एक फुटेज दिखाकर बताया कि शील्ड पॉल हेमन CM Punk के मैनेजर के लिए काम करते हैं। तब से CM Punk और शील्ड का नाता वहां से ख़त्म हो गया।
फिर सील्ड अथॉरिटी ट्रिपल एच के लिए काम करने लगी, पर कुछ कारण से उन्होंने अथॉरिटी से भी अपना नाता खत्म कर दिया और ये सभी अथॉरिटी के अगेंस्ट काम करने लगे। रेसलमेनिया 30 के बाद इनका फ्यूड द एवोल्यूशन टीम के साथ देखने को मिला। इनके बीच दो शानदार मैच हुए और दोनों ही मैच को सील्ड ने जीता, पर जून 2014 के एक एपिसोड में सेथ रोलिन हील टर्न हो गए और उन्होंने रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस पर अटैक कर दिया और सेथ रोलिन अथॉरिटी का हिस्सा बन गए और सील्ड टूट गई। यह स्टार का सिंगल रन स्टार्ट हुआ और इन्होंने कई टाइटल अपने नाम किए। ये तीनों ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बने WWE के, जिन्होंने WWE के सारे टाइटल अपने नाम किए थे। इनकी कहानी 2014 के बाद खत्म नहीं हुई। 2017 में एक बार फिर से ये तीनों साथ आए और सील्ड का रियूनाइट हुआ और फिर से ये एक साथ टैग टीम का हिस्सा रहे। पर जब रोमन रेंस ने अपनी बीमारी ल्यूकीमिया के कारण WWE से ब्रेक लेने का ऐलान किया, तो उसी रॉ के एपिसोड में टैग टीम चैंपियनशिप जीतने वाले सेथ रोलिन और डीन एम्ब्रोस थे और उसी रात ये चैंपियनशिप जीतने के बाद डीन एम्ब्रोस हील टर्न हो गए और सील्ड फिर से टूट गई। फैंस को यकीन था कि यह टीम लंबे समय तक साथ रहेगी, पर ऐसा नहीं हो सका। फिर फरवरी 2019 में रोमन रेंस लौट आए और उसी रॉ के एपिसोड में सेथ रोलिन और रोमन रेंस ने डीन एम्ब्रोस को बचाया और उसकी ही अगली रॉ में सील्ड फिर से रियूनाइट हो गई और इस रियूनाइट को उन्होंने नाम दिया वन लास्ट टाइम, मतलब आखिरी बार सील्ड एक साथ। फास्टलेन 2019 में इस टीम का आखिरी बार एक साथ मैच देखने को मिला ड्रू मैकइंटायर, बॉबी लेस्ली और बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट और ये मैच सील्ड जीत गई। मैच के बाद तीनों सुपरस्टार का रिएक्शन काफी दुख भरा था और फिर उसकी अगली रॉ में तीनों एक साथ दिखे और अपने पुराने यादों को याद करते हुए अपने रिएक्शन को बताए। फिर रेसलमेनिया 35 की अगली रॉ में डीन एम्ब्रोस ने अपने जाने के बारे में WWE फैंस को बताया और डीन एम्ब्रोस WWE से चले गए और सील्ड वापस से अलग हो गई। अब चांस भी बहुत कम है कि ये टीम एक साथ कभी देखने को मिलेगी। हो सकता है फ्यूचर में डीन एम्ब्रोस WWE के साथ कोई नई डील साइन कर लें और फिर से आगे चलकर सील्ड एक बार फिर से WWE में देखने को मिले। दोस्तों, ये रही द सील्ड की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।